तो आप भी एक्सटेंशन पर मुत्तफिक हैं? सहाफी का सवाल। राणा सनाउल्ला को मेरे सामने ले आए चीफ जस्टिस का जवाब। कहा मीटिंग हुई थी जिसमें आजम नसीर तारर, जस्टिस मंसूर अली शाह और अटॉर्नी जनरल मौजूद थे। इस मीटिंग में राणा सनाउल्ला मौजूद नहीं थे। बताया गया कि तमाम चीफ जस्टिस साहिबान की मुद्दत मुलाजमत में तौसी कर रहे हैं। मैंने कहा कि बाकियों की कर दें, मैं तौसी कबूल नहीं करूंगा। मुझे तो ये नहीं पता कि कल जिंदा रहूंगा भी या नहीं। छह जजेस के खत का मामला समाअत के लिए मुकर्रर क्यों नहीं हो रहा? सहाफी का सवाल। चीफ जस्टिस ने कहा कि छह जजेस के खत का मामला कमेटी ने मुकर्रर करना है। लगा सकती है, अब कमेटी लगाती है। इससे पहले चीफ जस्टिस की मंजूरी के लिए कॉज लिस्ट हफ्ते की भेजी जाती थी। वो दिन है और आज का दिन है। कॉज लिस्ट मेरे पास नहीं आती, उसकी मैंने शक्ल भी नहीं देखी। पहले कहा जाता था कि मुकदमे लगने से पहले हमें पता है कि फैसला क्या होता है। अब तो मुझे खुद पता नहीं होता है कि मेरे साथ दाएं बाएं तरफ जो लोग जज साहिबान बैठे हैं वो क्या फैसला करेंगे। मुझे खुद पता नहीं होता कि मेरे दाएं और बाएं बैठे जजेस क्या फैसला करेंगे। पहले तो बेंच बनते ही इल्म हो जाता था कि फैसला क्या होगा। चीफ जस्टिस मुकदमा नहीं लगा सकता, कमेटी मुकदमा लगाती है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के जरिए ही मुकदमे लगाए जाते हैं। माजी में कॉज लिस्ट चीफ जस्टिस को भेजी जाती थी, मैंने आज तक कॉज लिस्ट नहीं देखी। हर जज का कोई ना कोई रुझान होता है। अब किसी की किस्मत के केस कहाँ लग गया? केस का फैसला मफरूजों की बुनियाद पर नहीं, शवाहद और सबूत पर होता है। आवाम फैसला कर सकते हैं कि निजाम इंसाफ में शफाफियत है या नहीं। हकीकत की बुनियाद पर तबसरे जरूर करें, मफरूजों पर नहीं। एडहॉक जजेस ने छुट्टियों में 245 केसेस निपटाए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का नए अदालती साल के सिलसिले में फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। सुप्रीम कोर्ट से गलतियां हुई, जब तक गलतियों का एतराफ़ ना करें तो दुरुस्त समत की तरफ गामजन नहीं हो सकते। हम पर तनकीद होती है और जायज़ होती है। दूसरों का एहतसाब करें और अपना ना करें तो कदर नहीं की जाती। तारीख में पहली बार हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज को बद इंतज़ामी की वजह से बरतरफ किया गया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस खिताब। कहा कि हमने आइन शिकन को कसूरवार करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस फेयर ट्रायल नहीं था। इलेक्शन जमहूरियत के साथ मुंसलिक हैं। निगरान हुकूमत में आम इंतखाबात नहीं हो रहे थे। हमारे पास दरखास्त आई, हमने 12 दिन में फैसला कर दिया और इख्तियारात से तजावुज़ नहीं किया। इलेक्शन कमीशन और सदर दोनों फरमा रहे थे कि इलेक्शन की तारीख देना इनका इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया कि सदर का ओहदा बड़ा होता है, आप जाकर उनसे तारीख लाएं। अहम कानून साजी के लिए सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुतहरिक। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों के अरकान को आज एशाइये पर बुला लिया। JUIFA को भी एशाइये में शिरकत की दावत। अरकान असेंबली को नई कानून साजी के हवाले से एतमाद मिलेंगे। हुकूमत जजेस की तादाद बढ़ाने समेत एक आइनी इस्लाहाती पैकेज लाना चाहती है। हुकूमत का दावा है कि उन्हें दो तिहाई अक्सरियत मिल चुकी है। सदर आसिफ अली जरदारी की दावत पर पीपल्स पार्टी के अरकान पार्लियामेंट आज ऐवान सदर पहुंचेंगे। JUIFA ने एशाइये में शिरकत करने या ना करने से मुतालिक कोई फैसला नहीं किया। मौलाना फजल रहमान असेंबली में कह चुके कि पार्लियामेंट फॉर्म 45 की हो या 47 की, अब इसी से काम लेना होगा। पुरअमन इज्तिमा और अमनामा कानून के तहत पहले मुकदमे की तैयारी। वफाकी पुलिस ने PTI की जानिब से खिलाफ वर्जी पर इस्तगासा तैयार कर लिया। जरताज गुल, आमिर मुखल, उमर अयूब, सीमाविया ताहिर और राजा बशारा समेत 28 मकामी रहनुमा नामजद। पुलिस ने रूट के खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को रोका। कारकुनान की जानिब से पत्थरों और डंडों से पुलिस पर पथराव किया गया। पुलिस ने शेलिंग की, मौके से 17 कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। इस्तगासा अफसरान की मंजूरी के बाद थाना नून में मुकदमा दर्ज होगा। बानी PTI को दो हफ्तों में रिहा करो, अली अमीन गड्डापुर का हुकूमत को अल्टीमेटम।
बानी पीटीआई के केसेस खत्म हो चुके, दो हफ्तों में कानूनी तौर पर बानी पीटीआई को रिहा ना किया तो हम खुद रिहा करवा लेंगे, खुद क़यादत करूंगा और पहली गोली खाऊंगा, अगर पीछे हटे तो ना दोबारा ऐसा मौका मिलेगा ना दोबारा ऐसा लीडर मिलेगा। अपने अल्फाज पर कायम रहना, 15 दिन में अपने लीडर को रिहा करवाना, ख्वाजा आसिफ कालियामीन गंडापुर को जवाब कहा। तकरीर में ये भी बताना था कि पहली बार शहबाज शरीफ को मिलने किसकी हिदायत पर आए थे, जलसे में रंगबाजी करते हो। वाह 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 अलीमीन गंडापुर वाह, स्टेज पे चढ़ के एक खातून को ललकारते हो, उधर दहशतगर्दों से डरते हो, चुल्लू भर पानी होता और थोड़ी सी शर्म होती तो डूब मरते। अलीमीन का गुस्सा जायज है, इतनी क्रेने, इतनी एम्बुलेंसे, इतने सरकारी वसाइल से सरकारी मुलाजमीन को साथ लेके आया जलसा गाड़ी भरी, नाकाम जलसे का गुस्सा था और निकाला वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा पे, निकाला वो फौज के ऊपर। आप एक सूबे के वजीर आला हैं, संजीदगी अपनाएं। अली अमीन गंडापुर खवातीन को ललकारते और दहशत गर्दों से डरते हैं। गंडापुर ने नाकाम जलसे का गुस्सा वजीर आला पंजाब और फौज पर उतारा। लाहौर आए, हम देखते हैं कि आप अटक पुल कैसे क्रॉस करते हैं। खातून वजीर आला के खिलाफ बात करना अफसोसनाक है। अली अमीन गंडापुर कमीशन लेने और लोगों को ओहदों से हटाने के सिवा और कोई काम नहीं करते। वजीर इत्तला'आत अता तारड़ की वजीर बराए उमूर कश्मीर अमीर मकाम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमीर मकाम ने कहा कि आवाम ने पीटीआई के जलसे को मुस्तरद कर दिया, जलसे में गरीब सूबे के वसाइल का बेदरग इस्तेमाल किया गया। अली अमीन गंडापुर को वजीर आला कहना ओहदे की तौहीन है। कल जलसे में नफरत फैलाने की कोशिश की गई। अली अमीन गंडापुर कई मुकदमात में मुलव्वस और उनकी कारकर्दगी का अकाउंट खाली है। अमीन गंडापुर ने फिर से लाइन क्रॉस की। गंडापुर ने पंजाब के ऊपर लश्कर कशी करने का इंदिया दिया है। नशियों का नशा बड़ी जल्दी उतार देते हैं पंजाब पुलिस वाले। अब ये जो लश्कर कशी एक सूबा दूसरे सूबे पे करने की धमकी दे रहा है, इसका सवाल मैं किससे पूछूं? दूसरे सूबे की खातून चीफ मिनिस्टर को तजहीक से बुलाता है। 15 दिन में गंडापुर ने अपना लीडर रिहा कराना है, मैं 20 दिन देती हूँ। जलसे में भुलवाइयों ने अपनी असलियत जाहिर कर दी। ये जब भी निकलते हैं दंगा फसाद और जलाओ घेराव करते हैं। कल फिर अली अमीन गंडापुर ने लाइन क्रॉस की। फितना गैंग के हालात खराब करने की पेशगोई दुरुस्त साबित हुई। जब कानून हरकत में आएगा तो मजलूम बनने का ड्रामा करेंगे। कल के वाकयात पर कोई माफी नहीं होनी चाहिए। इन्हें जो जुबान समझ में आती है उसी जुबान में जवाब देंगे। वजीर इत्तला'आत पंजाब असमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से जलसे में इदारों और अदलिया को धमकियां काबिले मजम्मत हैं। क्या तहरीक इंसाफ चाहती है कि इंसाफ का निज़ाम जलसे और जत्थे चलाएं? तहरीक इंसाफ एक बार फिर पुरतशद्दुद और इंतशार के सियासत को फ़रोग दे रही है। तहरीक इंसाफ आज तक 9 मई से नहीं सीखी, क्या अब भी इनको लगता है कि धमकियों तशद्दुद और इंतशार की सियासत में कोई जगह है? रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी नैमान का पीटीआई रहनुमाओं की तकरीर पर रद्दमल। जाली हुकूमत ने कल फिर 9 मई का प्लान बनाया था मगर हमारे पुरअमन कारकुनों ने नाकाम बना दिया। पुरअमन कारकुनों पर शैलिंग की गई और लाठियां बरसाई गई। मुतय्यन करदा रास्तों को बंद करके कारकुनों को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई। पुलिस पर पथराव की झूठी कहानी भी गढ़ी गई। मुशीर के पी बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा अवाम का समंदर जाली हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम था। जलसे से साबित हुआ कि जाली हुकूमत कितनी हवास बाख्ता हो चुकी है। इश्तियाल दिलाने का मकसद पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों पर झूठी एफआईआर और आइंदा एनओसी ना देने का बहाना बनाना था। ना एनआरओ मिलेगा, ना गुनाहों की माफी मिलेगी। और ये जो भड़के हैं ये ना मारे, जिन पैसों से ये क्रेने और लश्कर लेकर आए थे इस्लामाबाद, वो पैसे तुम्हारे पेट से भी निकाले जाएंगे। जानबूझकर इस्लामाबाद पुलिस पर हमला किया गया, हमला करने वाले पुलिस पर, बल्कि उनका मास्टरमाइंड गिरफ्तार होकर जेल जाएगा।
गोलियां गैरतमंद खाते हैं, जरूरतमंद नहीं जलसे करें, लेकिन एनआरओ मिलेगा ना ही माफी, डंके की चोट पर कानून साजी करेंगे। अली अमीन गंडापुर दिन में भड़के मारते हैं, रात को पांव पड़ते हैं। पीटीआई सहूलतकारी ना होने से अब छोटे जलसों तक महदूद हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए गए। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस्लामाबाद पुलिस पर हमला किया गया, पुलिस पर हमला करने का मास्टरमाइंड गिरफ्तार होकर जेल जाएगा। जितने मर्जी जलसे करें, अब इसराइली एजेंट पाकिस्तान में हुकूमत नहीं कर सकते। शोबदेबाजी और ड्रामेबाजी से तहरीकें नहीं चलती। हमने अहद किया कि सियासी इंतशार नहीं रहने देंगे। पीटीआई के रियासत मुखालिफ बयानी को फैलाने में एक और भारतीय सहूलतकारी बेनकाब। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन की पाकिस्तान मुखालिफ भारतीय राहुल रॉय चौधरी के साथ गुफ्तगू मंजरियां पर। रऊफ हसन का भारतीय तज्जियाकार से पाकिस्तान मुखालिफ राब्तों का होशरुबा इंकशाफ। भारतीय तज्जिया निगार राहुल रॉय चौधरी ने रऊफ हसन से कश्मीर के हवाले से मजमून की तस्दीक के लिए राब्ता किया। रऊफ हसन ने पाक फौज की आला क्यादत पर इल्जाम धरते हुए भारतीय तज्जिया निगार से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया। बलूचिस्तान के मसाइल पर साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की रिहाइशगाह पर बलूचिस्तान की क्यादत की अहम बैठक। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, बीएपी, नेशनल पार्टी, एएनपी के अरकान असेंबली और सेनेटर्स की शिरकत। बलूचिस्तान के मसाइल पर तबादला ख्याल। इजलास में बलूचिस्तान के सियासी और माशरती मसाइल पर मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किए गए। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के 18 सितंबर तक के इजलासों का कैलेंडर जारी। 18 सितंबर को एग्जीक्यूटिव बोर्ड सरीनाम में के 7वें जायजे की मंजूरी देगा। इससे कबल बोर्ड के 9 और 13 सितंबर के इजलासों का कैलेंडर जारी हो चुका। पाकिस्तान को $2 अरब के बैरूनी फाइनेंसिंग गैप को पूरा करना होगा। पेज की शरायत पूरी होने के बाद पाकिस्तान के एजेंडे में शामिल होने का इम्कान। रवा माली साल पावर सेक्टर का गर्दशी कर्जा मजीद 100 अरब रुपए बढ़ने का प्लान IMF के साथ शेयर कर दिया गया। जून 2025 तक बिजली के शोबे का कर्जा 2,550 अरब रुपए से तजावुज करने का इम्कान। पावर सेक्टर का गर्दशी कर्जा 2400 अरब रुपए से बढ़ चुका है। IMF का पावर सेक्टर का गर्दशी कर्जा कंट्रोल ना होने के बायस सख्त तशवीश का इजहार। IMF को पावर सेक्टर का गर्दशी कर्जा कंट्रोल करने के लिए टैरिफ एडजस्टमेंट्स बर वक्त करने की यकीन दहानी। IMF का बिजली के शोबे का गर्दशी कर्जा 2500 अरब रुपए से तजावुज न करने का मुतालिबा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 2 कंप्यूटर्स चोरी हो गए। डायरेक्टर IT सुप्रीम कोर्ट की दरखास्त पर थाना सेक्रेटेरिएट ने मुकदमा दर्ज कर लिया। CCTV कैमरों में 2 मुलाजमीन जाहिद इकबाल और फैसल खान की हरकत मशकूक पाई गई। जराए के मुताबिक जाहिद इकबाल सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस का ड्राइवर और फैसल खान सुप्रीम कोर्ट में बतौर नायब कासिद तैनात है। महंगी बिजली से सनअतें नहीं चल सकती, हर दौर में IPPs को मरात दी गई। मुश्किलात से निकलने के लिए IPPs से मुआहदे खत्म किए जाएं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कराची बुरे हालात से दो चार है, बल्दियाती नुमाइंदों को कोई इख्तियारात नहीं दिए गए।